हेलो, हाय, गुड इवनिंग। ओ, आई एम बिग फैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मतलब मैं लाइव आई हूँ, मुझे उल्टा। थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू। लेकिन आप लोग अच्छे से आ नहीं रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा क्यों? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आप? आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। हाँ हेलो हाँ भाई, वेलकम जी, आपका हमारी लाइव में वेलकम है। आपको थैंक नंदन 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 सर किधर घूम रहे हैं? ओके, मैं कहती हूँ उनको आ देखो। रही है वो। सर आप कैसे आएंगे? वन सेकेंड, मैं देखती हूँ। उनको बोलो ना मैसेज करेंगे वो। नंद, हाँ हूँ मैं, क्या है? वन सेकेंड वेट। ओ, मैंने कर दिया। और बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ, अभी सो के उठा हूँ थोड़ी देर पहले। मेरी लग आज रहा है, तबीयत थोड़ी डाउन थी। हाँ लग रहा आ है गए। आप हेलो, वैसे। मैं बाहर बैठा हूँ। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं थोड़ा सा फिल्टर लगा लूँ थोड़ा सा। लगा ली। हम लड़के लोग क्रीम हाँ, पाउडर तो लगा नहीं सकते, हमारे लिए इंस्टाग्राम वालों ने ये बिल्कुल बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, सो 26 सौ लोग जुड़ गए हैं, 26 सौ लोग जुड़ गए। लगा हाँ, दिया। आवाज जा रही? वेलकम, एक बार कंफर्म करते हैं, आवाज जा रही सबको? मुझे आ रही है। आप लोग प्लीज यस लिख के। तीनों लोग को आ रही ना आवाज बराबर? दोनों लोग को हाँ, आ रही है, हमको आ तो रही आ है? रही, बराबर आ रही। ओके। सो 27 सौ लोग जुड़ गए हैं अभी लाइव में। और तो मैं यहाँ पे जो जितने भी फैंस जुड़े हैं मैं उनको थोड़ा सा कुछ बता दूँ अपने बारे में। तो गाइज, मेरा नाम नंदन सिंह चौहान है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, और उसके साथ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। और फिलहाल अभी मैं अंजलि चौहान का मैनेजर हूँ, और साथ में करण पाटीदार हैं, इनको भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो इस लाइव सेशन में हमारा जो मेन टॉपिक्स है वो ये है कि अंजलि और करण पाटीदार का, दोनों का एल्बम आ रहा है, जो कि आपने कुछ डेमो देखे होंगे, जो कि लोकेशन विशाखापट्टनम की है, और बहुत ही खूबसूरत एक एल्बम आ रहा है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का ये जो लाइव करने का मेन टॉपिक है वही है कि हमें उस एल्बम के बारे में कुछ आपको चीजें बतानी है, साथ में इन दोनों के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो शायद अभी तक आप नहीं जानते। तो हम पूछेंगे इनसे, मुझे भी शायद वो चीजें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लाइव में पूछेंगे, तो इन लोग को जवाब देना पड़ेगा। ये लाइव हम कर रहे हैं अंजलि अंजलि के ऑफिशियल अकाउंट से। तो मुझे किसी के बारे में अंजलि के बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अंजलि पहले अपने बारे में बताओ, फिर करण आप बताओ, और आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताओ फैंस को। अंजलि पहले आप, हाँ, वन सेकेंड सर। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। करण, करण जी आप कैसे बताओ, हैं? आप कहाँ से हो? मुझे कुछ यहाँ पे पिनअप करना है। वो हाँ, आप करण को पिनअप कीजिए। यस, और हाँ बट गाइज, आप लोग मैं तो कभी, मतलब खुद को की हूँ बट उनको नहीं की हूँ, तो कैसे करूँ मैं? वन सेकेंड करण, आप करें। एक चिकन वहां पे सर्च करने के बाद मैं कर रही हूँ सर, बट नहीं हो रहा है। करण जी की आईडी, करण नाम कुछ कर लो ना। कैसे करूँ मैं? वन सेकेंड, बट ये करना जरूरी है सर, कैसे हाँ करूँ? हाँ बिल्कुल, आप कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने तैयार किए हैं आप लोग से पूछने के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। हाँ आप अच्छा, देखें करण, कैसे करूँ आप बताओगे कुछ?
मुझे भी नहीं पता, सर से पूछिए ना हमारा और तभी हैंडल करके हमारा कौन। सर कुछ बताइए ना, ये सर्च करो ना आप, ऊपर ऊपर जो ऊपर मतलब ऊपर का है वहां पे क्लिक करके उस पर करण की आईडी दिखेगी, उसपे पिन अप करने का ऑप्शन देगा। मैं सर्च करूं? आईडी को सर्च करो पहले। करण जी की आईडी तो कर रही है, एक आईडी तो कर रही है। करण पर्दा 770 लिखो आ जाएगी। ओ तो सारी फेक आईडी किताब में हो सकता है क्या? आप कर सकते हैं? नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आप होस्ट हो ना तो आप ही कर सकती हो। चलो कोई नहीं, अभी बीच में हम ये चीज कर लेंगे बाद में, या फिर आप बोल दो कि आप ऊपर से जो एरो का छोटा सा ऑप्शन है तो वहां से भी आपको आईडी मिल जाएगी करण की। सो गाइस आप लोग प्लीज करण को फॉलो कीजिएगा, और इन दोनों का बहुत ही खूबसूरत एक एल्बम आ रहा है। यस, ये जो कि मेरा एल्बम जो आने वाला है करण जी के चैनल पे ही आएगा, और करण जी की हाँ आईडी है, स्टोरी बुक की आईडी से वो करेगा, फॉलो कीजिएगा। फ्राइडे को आने वाला है ना अपना एल्बम, फ्राइडे को रिलीज होगा ना? यस हाँ, तो अभी 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 हम बात करेंगे फिर मैं थोड़ा सा आप लोग से। तो सबसे पहले आप दोनों अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि आप लोग कहाँ से हो, और सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए दोनों लोग, ताकि जो ऑडियंस नई जुड़े हैं या फिर वो लोग पहली बार देख रहे हैं आप लोग को, तो उनको पता चले कि आप लोग कहाँ से हो। तो पहले अंजलि आप बताइए। मैं अंजलि चौहान, यूपी से। और क्या? और नहीं, पूरा एड्रेस बताइए आप अच्छे से। नहीं आपको तो सब जानते हैं, बट कुछ लोग एक फॉर्मेलिटी होती है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हो, मतलब आपको तो सब जानते हैं आई नो, बट कुछ लोग नए जुड़े होंगे। देन ठीक है, अब हम करण से पूछते हैं कि करण हाँ आप देखिए, मैं मेरा नाम है करण पाटीदार, और मैं मध्य प्रदेश में धार जिले के एक छोटा सा गांव से हूँ, पलवाड़ा करके मेरा गांव है। बहुत सारे मैंने कॉमेंट और करण पाटीदार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, और छोटे से गांव से निकल के आप लोग इतने आगे आए, आज पूरी दुनिया में आप लोग को जाना जाता है, आप लोग की वीडियोस बहुत अच्छी रहती हैं। अंजलि चौहान आप बहुत अच्छा डांस करती है, और करण आप भी बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, और आपकी वीडियो बहुत अच्छी रहती है, तो बहुत ज्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। तो मतलब आप लोग ने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो टिकटॉक से स्टार्ट किया, क्योंकि टिकटॉक जब इंडिया में चल रहा था तो आपने पहले टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि करण के टिकटॉक पे 3 पॉइंट प्लेटफॉर्म टिकटॉक ही था। हाँ, तो मतलब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग जब टिकटॉक पे पहली बार ज्वाइन हुए तो आप लोग को किसने गाइड किया था, या फिर आपने खुद से ही जाना कि टिकटॉक है इस पे मेरे को वीडियो बनानी चाहिए? तो पहले अंजलि आप बताइए। मैं बताता हूँ, गांव में मुझे नहीं पता था टिकटॉक क्या है, फॉलोअर्स क्या है वगैरह, कुछ भी नहीं पता था। गांव में एक लड़का था, वो टिकटॉक चला रहा था, वो बोला भाई टिकटॉक पे वीडियो बना, अच्छी बनती है, अच्छा सब कुछ। मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करूंगा, तो मैंने 2 दिन से ट्राई किया, मुझे कुछ भी लिप्स मैचिंग करना नहीं आया, कैसे देना है कुछ भी नहीं आया मैंने। मैंने फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बना के डालते रहता हूँ। फिर फॉलोअर्स बढ़ने लगे, ये फॉलोअर्स क्या होते हैं मुझे नहीं पता था इतना, टिकटॉक टाइम पे क्या होता बोले 1000 फॉलोअर्स रोज के बढ़ रहे। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं ऐसा उसके बारे में मुझे कुछ कुछ पता चलता गया, मैं आगे बढ़ता गया, बनाते गया, अच्छा हुआ। फिर वीडियो भी वायरल होने लग गई, और सब कुछ समझ में आ गया, कैसा क्या है, कैसे वीडियो बनाना पड़ता है, कैसे फिल्टर, कैसे क्या सेटिंग वगैरह, सब कुछ पता चला। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी काफी अच्छी रही, और टिकटॉक एक्चुअली टिकटॉक आने से काफी जो हाई टैलेंट थे, जैसे आप दोनों की मैं बात कर लूँ, तो ऐसे टैलेंट शायद ये
इनको कभी आगे आने का मौका नहीं मिलता, बट टिकटॉक की वजह से अपॉर्चुनिटी एक मिली आप जैसे लोगों को आगे आने की वजह से, जिस भी प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे सब टिकटॉक की वजह से, टिकटॉक ना होता तो अंजलि आप बताइए, अंजलि आप बताइए कि आपने टिकटॉक पे आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया, या फिर आपने भी कहीं पे सुना, या फिर कैसे आपने शुरुआत कैसे की टिकटॉक जर्नी? मेरे पास तो फोन नहीं था, तो मेरे पास ऐसे टिकटॉक बिल्कुल ऐसे कर आवाज आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है, जैसे मेरी आवाज आपकी हाँ अभी आ रही है।